Yeah, that was bad. That's a back one. भाई क्या जबरदस्त लग रहा है, एकदम खतरनाक। नीचे पानी चलता है और सामने होटल है, वो राजीता इन और पीछे वो व्यू। भाई 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 भाई। एक मिनट आ रहा आ रहा हूँ भाई, अभी बताता हूँ। और एक सीन हो गया भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रिप पे कुछ ना कुछ सीन ना हो भाई। स्पीति गए, कैमरा टूट गया, मतलब मीडिया मोड वगैरह टूट गया। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉर्नर। तो भाई मॉर्निंग हमारी हो चुकी है सुंदर नगर में और अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और रवि भाई भी रेडी है, सभी रेडी ऑलमोस्ट। उठा तो काफी टाइम हो गया, हम 8 बजे करीब उठ गए क्योंकि नींद हो गई है बढ़िया करके पूरी। अगर हम लेट सोते तो शायद दिक्कत होती उठने में, लेकिन लेट हम सोए, हम टाइम सो गए थे 11 बजे के आसपास, हम सब सो ही गए थे। तो मस्त फ्रेश है, सब एकदम एक्टिव है। लॉक करते हैं और चलते हैं भाई नीचे। ये देखो भाई बाइक अपनी, क्या हालत हुआ भाई अपने रोलर कोस्टर का। देख रहे हो कितनी ज़्यादा बंदी हो गई यार, अभी तो साफ़ करनी पड़ेगी। देख रहे हो ऐसा लग रहा है ये कोई बैठा था यहाँ पे, मट्टी अंदर तक घुस गई भाई। बहुत ज़्यादा गंदी, सबसे ज़्यादा गंदी बाइक मेरी है, देखो सबकी साफ़ है। टेल टाइड नहीं है ना, ये तो होना ही था। अब देखते हैं इसको, मैं तो सोच रहा हूँ इसे मनाली में जाके वॉश कराऊँ, यहाँ तो वॉश करवाएंगे तो टाइम लग जाएगा ज़्यादा। चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं भाई, भूख लग गई काफ़ी। ये देखो सस्ता शाहरुख खान। तो फाइनली भाई सब गियर अप वगैरह हो गए हैं और बाइक्स का चल रहा है, थोड़ा सा लूप वूप कर रहे हैं चेंज क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा सूखी रहती है। देखो साफ तो करिए भाई, कुछ हद तक तो साफ हो गई पर प्रॉपर इसकी वॉश करवानी पड़ेगी। मनाली में देखते हैं, अगर टाइम लगा मनाली में वॉश करवा देंगे अच्छा रहेगा, बाइक साफ सुथरी अच्छी लगती है भाई। और चेन लूप करते हैं, देखो चेन भी सूखी हो रही है बहुत ज़्यादा, चेन लूप करते हैं और निकलते हैं फिर। सो फाइनली निकल रहे हैं होटल से, सब रेडी है। रेडी चलो भाई। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30 बजे करीब का और लीड कर रहा हूँ भाई मैं पूरी टीम को, आगे मैं रहूँगा। तो आई होप 4 से 5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। यहाँ से मनाली है 130-131 किलोमीटर जो कि हमारा होटल है जीता इन, जहाँ पे हमारे पास रुकते हैं वहीं रुकेंगे क्योंकि भाई प्रॉपर्टी काफ़ी शानदार है। अभी भी मैं जाकर दिखाऊंगा आपको भाई, ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है। सो भाई व्यू तो आने लगे बड़े सेक्सी सेक्सी और पहाड़ भी बड़े ख़तरनाक वाले आने लगे, कर्व भी बढ़िया आ रहे हैं। पर एक थोड़ा मसला है कि भाई मौसम अभी भी गर्म है, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो शायद या फिर तो ठंडा हो ही जाएगा, पर लेकिन जल्दी से ठंडा हो तभी मत आओ, वरना धूप में तो भाई क्या गर्मी लग रही है ख़तरनाक वाली। क्या अभी जब पीछे सब राइड कर रहे थे, मतलब लीड तो मैं ही कर रहा हूँ, मैं सिम्बल देता हूँ अगर स्लो करना है, और मैंने सब कुछ बता दिया था कि स्लो करना है तो ये है और भाई अगर थोड़ा ओवरटेक करना है तो ये है। लास्ट में मैंने मजाक में बात बोली, अगर मैं ऐसे करके बोलूँ तो समझना व्हील ही माननी है सबको भाई, क्या हाथ है सब भाई। ये पहली टनल आ गई हमारी मनाली रोड ट्रिप की, मनाली से पहले मंडी और मनाली के बीच में होगी शायद। हाँ मंडी तो हमने क्रॉस कर ही दिया होगा, तो काफ़ी सही लग रही है भाई, गुफा सी लग रही है तो, क्योंकि साइड में पहाड़ से ही दिख रहे हैं, कोई सीमेंटेड मतलब नहीं है। ओ भाई क्या शोर में जा रही है भाई, खतरनाक। अगर भाई अपनी बाइक के मज़े लेने ना आवाज़ के, तो भाई कोई अंडरपास या टनल, ओ क्या ही मज़े देता भाई। ओ भाई क्या ना मजा है, खतरनाक वाला। गुड़गांव की याद आ गई। अंडर पास टनल में भाई वीली मार दी यार, और भाई काफी शोर जा रहा हुआ टनल के बाद भी यहाँ पे।
यहाँ पे टायर स्किड कर रहा है क्योंकि थोड़ा सा चिकना सा फर्श हुई है, तो वो बात नहीं आ रही। और मेरे ख्याल से भाई टनल भी ख़त्म हो गई है तो हम अब भी नहीं मर पाएंगे। मैंने सोचा एक और बार ट्राई करता, टायर मेरा स्किड हुआ एकदम से, ग्रिप नहीं बनी टायर की, पर आ गई थी भाई ऊपर हवा में। काश थोड़ा स्पेस मिले तो, ओहो नहीं है भाई स्पेस, बाहर आ गए, वरना अगर स्पेस होता तो भाई कन्फर्म यहाँ पे वीली मारते। वापसी में देखते हैं, करते हैं ट्राई। आगे निकल रही भाई, ओ भाई वाइजर नीचे गया है मैंने, वरना आंखें भी नहीं खुल रही थी, एकदम से बाहर निकल गए। मुझे दिख गया है खाली रोड और व्हीली की वीडियो पहाड़ों में, क्या ज़बरदस्त आई गिरी लो। आप इंस्टाग्राम पे जाके चेक करना। और फरहान भाई जा रहे हैं आगे और इस रोड पे मिलेगी व्हीली। तो भाई व्हीली तो आपने देख ली होगी, क्या मस्त व्हीली आई। और भाई व्यू इतना ज़बरदस्त आया ना रील में, मत पूछो। और ये देखो भाई क्या ज़बरदस्त लग रहा है, और हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, बाइक हिल रही थी। वो देखो पहाड़ है, होए बस जल्दी से ऊपर पहुँच जाए। मौसम और अभी यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल हो गया, और ऊपर जाएंगे तो और ठंडा होगा, फिर आएगा मज़ा। अभी वेट कर रहे हैं, वीडियो शूट करने के लिए रोका था किसी को, तो बैठेंगे और चलेंगे। भाई यहाँ स्कैम हो गया हमारे साथ, इतनी धूप हो रही थी अभी और 2 मिनट के अंदर बारिश होने लगी। रेन लाइनर पहन रहे, और भाई मैं ही पहन रहा हूँ गोप्रो, उठा रहा हूँ मैं भी भाई, मोटर लॉक नहीं कर पाएंगे क्योंकि बारिश में तो भाई खराब हो जाएगा सब। तो भाई सीन ये हुआ है कि बारिश ने हमारे साथ प्रैंक कर दिया है। स्टार्ट हुई लेकिन फिर रुक गई, हो रही है रुक रही है। तो अभी मैंने गोप्रो लगा रखा, अगर ज़्यादा हुई तो भाई निकाल के रखना पड़ेगा। अभी के लिए लगा दिया मैंने, वैसे सब कुछ पहन लिया, लाइनर वगैरह पहन लिया, बैग भी कवर कर दिया है। बस गोप्रो का सीन है, अगर बारिश होती है तो फिर भाई गोप्रो अंदर रखना पड़ेगा। हो ही रही है फिलहाल, तो उधर नहीं हो रही थी लेकिन इधर हो रही है, तो देखते हैं अगर कंटिन्यू रही तो भाई अंदर रख देंगे इसे निकाल के। भाई अभी रुके हैं लंच के लिए, और अभी हम कुल्लू में गए, और इसका नाम है ईटवेल, पंजाबी ढाबा है कोई, यहाँ रुके हैं। बाइक अपनी उधर पार्क्ड है, और भाई मेरे साथ पता नहीं क्या प्रैंक हो रहा है, वीडियो गोप्रो लगा रहा हूँ तो बारिश नहीं है, बारिश आ रही है, और गोप्रो हटा रहा हूँ तो बारिश नहीं आ रही। अब बारिश नहीं आ रही, और जैसी गोप्रो लगाऊंगा ना फिर से बारिश आनी स्टार्ट जाएगी, इसलिए मैं लगाऊंगा। यासिर करें स्पाइडरमैन लेके आओ। हाँ भाई यासिर, क्या चाहिए बताओ, क्या करें हम खाना वाना खा लिया है, लंच हो गया अपना डन, और निकल रहे हैं अब। अभी तक तो यहाँ बारिश नहीं है, और मैंने गोप्रो लगा लिया है, पर ऐसा ना हो कि अब थोड़ी सी आगे चलते फिर से बारिश मिल जाए, क्योंकि मौसम भाई कुछ नहीं कह सकते कब चेंज हो जाए। यहाँ चलें, चलो भाई यहाँ से ऑलमोस्ट 1 घंटे की राइड और है, हम पहुँच जाएंगे अपने होटल। ओ भाई क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं ये सब, इन्होंने सब ने नियॉन कलर का विंडशीटर पहन रखा है, मतलब रेन लाइनर है, और काफ़ी सेक्सी लग रहा है भाई, मिरर में अलग ही दिख रहे हैं बंदे चमकते हुए। बर्फ़ तो दिख गई है पहाड़ों पर, वो देखो भाई राइट साइड में, पता नहीं गोप्रो में आ रही नहीं होगी या नहीं आ रही होगी, काफ़ी भाई ज़बरदस्त लग रहा है पहाड़ ऐसे बर्फ़ से ढका हुआ। और देखते हैं अब हमें कहाँ जाके बर्फ़ मिलेगी। मनाली में अभी पूछा था किसी से जब हमें मिले थे पीछे बंदा, तो उन्होंने बोला कि मनाली में तो नहीं मिलेगी लेकिन आपको अटल टनल साइड मिल जाएगी बर्फ़। और देखते हैं भाई अगर क्या पता स्नोफॉल हो गया हो, क्योंकि बारिश का मौसम चल ही रहा है यहाँ पर। तो फाइनली पहुँच ही गए भाई मनाली, 2 किलोमीटर रह गया यहाँ से, 2 किलोमीटर क्या मान लो पहुँच ही गए, बस अलग चपकाएंगे और खोलेंगे तो पहुँच ही जाएंगे। अब ट्रैफिक ना मिले भाई, हाँ क्राउड होगा, ऑफ सीजन में क्या ही ट्रैफिक मिलेगा, वरना भाई पूरा जाम रहता है एरिया। मैंने हल्की थी हिली पॉप करने की कोशिश की, मतलब मुझे पॉप ही नहीं करनी थी, मैंने हल्का सा झटका दिया, सबके कान खड़े हो गए उधर। देख लो भाई लोगों माहौल मनाली का क्या ज़बरदस्त है भाई, क्या ही ज़बरदस्त हो, पहाड़ देखो बर्फ़ का क्या सेक्सी लग रहा है, मस्त एकदम। पहुँचने ही वाले हैं अपने होटल, बस यहाँ से लेना है लेफ्ट और सामने हमारा होटल है भाई, यहाँ से तो दिख ही रहा है लेकिन पता नहीं वीडियो में दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, पूरा उधर सामने
ब्रिज भाई काफ़ी ज़बरदस्त है, मतलब सेक्सी एकदम। तीसरी बार हम आ रहे हैं मनाली, और तीनों बार हम इसी होटल में रुके थे, मतलब हर बार हम यहीं रुकते हैं। ये देखो भाई क्या ज़बरदस्त लग रहा है, एकदम ख़तरनाक। नीचे पानी चलता है और सामने होटल है वो रजीता इन, और पीछे देखो व्यू। यहाँ की भाई होटल की मैं पहाड़ी दिखाता हूँ आपको कैसी है, मतलब होटल के लिए जाना कैसे पड़ता है। ये देखो भाई ऐसे चढ़ के ऊपर, और जब हम आए थे पिछली बार तो पूरी बर्फ ही बर्फ थी भाई इधर। वन बाय वन आना है। चलो भाई चढ़ते हैं ऊपर, मैं तो चढ़ गया भाई। भाई 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 भाई। क्या शोर मचा है भाई। पहले देखो कोई गिरा तो नहीं भाई। ये देखो भाई ये है वो हाइट, वीडियो में तो पता नहीं कैसी लगी होगी, और ज़्यादा ही सीधी है। पर भाई सारे चीते हैं, मज़ा भी आएगा। नहीं नहीं ले आएंगे ले आएंगे ले आएंगे। ये अनस भाई सारा ही बचते हैं। हाँ भाई सब फाइनली ओह, ये रहा भाई अपना पूरा गैंग और सारी बाइक्स। सो भाई अभी रेडी हो रहा हूँ, कपड़े वपड़े चेंज कर रहा हूँ जाने के लिए, मॉल रोड की साइड जा रहे हैं, थोड़ा सा घूम फिर गए आएंगे। और एक सीन हो गया भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रिप पे कुछ ना कुछ सीन ना हो भाई। स्पीति गए, कैमरा टूट गया, मतलब मीडिया मोड वगैरह टूट गया, उसका कुछ सामान टूट गया, उससे पहले कार्ड करप्ट हो गया। और मनाली आए थे जब कार्ड करप्ट हुआ भाई, आज भी सीन हो गया, आज कार्ड करप्ट नहीं हुआ, कुछ टूटा नहीं, सब चीज़ों का ध्यान रखा। तो माइक एक मिनट आ रहा भाई, अभी बताता हूँ कैसे ले रहा है। भाई इतने देर में अलग रूम नहीं लिया था, पहले से पता था क्योंकि हम पहले आए हुए, तो हमें इस चीज़ का पता था कि भाई यहाँ पे मिरर है। तो भाई बात ये थी कि मेरी वीडियो की जो है ऑडियो करप्ट हो चुकी है, और वो जहाँ पे करप्ट हुई है, जहाँ से स्टार्ट हुई है, वहाँ पे इतना ज़बरदस्त कंटेंट था भाई, कंटेंट ही कह लो भाई, कंटेंट ही होगा हमारे लिए तो, लेकिन बहुत ज़बरदस्त चीज़ था। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई उसमें वॉइस ओवर करके उस वीडियो को डाला जाए, लेट्स सी क्या होता है, अभी कन्फर्म नहीं है, डालूंगा अभी या नहीं डालूंगा पता नहीं क्या है भाई। हर ट्रिप पे ये सीन है कि कुछ ना कुछ होना है, कुछ ना कुछ कांड होना ही होना है। भाई फेस ब्लर कर देना कभी मेरे घरवालों से वीडियो चलेगी, पूरी मेरा बेटा इस समय फेस ब्लर कर देना इसका। हां फेस उस वाले इस समय कर दूं मैं, चलो कोई नहीं, वो रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा कम थी, और ये बंदा मेरे पीछे बैठ गया। क्या हुआ रहा भाई, बाइक तो हंसी नहीं रुक रही, कल होगा बोल दिया मैंने ना। उसके बाद भी आ गए कितने किलोमीटर भाई साहब, हंसी और दिमाग ऐसा हो गया, तो भाई व्हील इतनी लंबी, पहले गिरे पहले तो टेढ़ी गई, उसके बाद उठी हल्की सी पावर उठ के जो ऐसे गई है, होश खराब। तुम्हें लग रहा होगा अपनी बाइक नीचे, अरे भाई पागल हो गए तो दुनिया ही लगती है, दुनिया लगती है। भाई मेरे पीछे बैठे हुए थे और मेरे हल्की सी एक्सलेट करी भाई, आप V900 लो पिकअप तो बताइए आपको वो ऊपर आ गए भाई। तो करते हैं भाई डिनर बढ़िया करके और फिर बात करते हैं। सो भाई रात के बज गए हैं 2 और सब अपने रूम में अभी गए हैं, बस 5 मिनट पहले, पता भी नहीं चला भाई कब 2 बज गए, सब बैठे हुए थे बातें कर रहे थे, सब अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे पहले के, जो राइड करी हुई है या फिर इस राइड पे क्या क्या मजा आया, सारे मतलब मूवमेंट अपने सब शेयर कर रहे थे, और काफी ज्यादा मजा आया, और टाइम का ही नहीं पता चला भाई इस बीच में। और आपको भी आई होप मजा आया होगा इस वीडियो में, अगर मजा आया तो भाई इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरा यूट्यूब चैनल ऐसी मस्त वीडियोज देखने के लिए।